पाकिस्तान में टेरियन वाइट और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़ा मामला खूब सुर्खियों में है। इमरान खान ने अपने नामांकन पत्र में टेरियन वाइट का जिक्र नहीं किया है। उनके खिलाफ दायर अयोग्यता से संबंधित याचिका की सुनवाई के दौरान इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें 27 जनवरी तक इस पर अंतरिम जवाब देने का आदेश दिया है। याचिका में याचिकाकर्ता का पक्ष है कि इमरान खान ने नामांकन पत्र में अपनी कथित बेटी का खुलासा नहीं किया है, इसलिए वो अब सच्चे और विश्वसनीय नहीं रहे, इसलिए उन्हें संविधान के तहत अयोग्य घोषित किया जाए। याचिकाकर्ता ने एक अमेरिकी अदालत के फैसले का भी हवाला दिया है कि इमरान खान टेरियन वाइट के असली पिता हैं। कानूनी विशेषज्ञ और पाकिस्तान बार काउंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष अमजद शाह का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में इस अर्जी पर जल्द से जल्द सुनवाई करने से यह संकेत मिलता है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस मामले को निपटाना चाहता है। अमजद शाह का कहना है कि इस याचिका की वजह से आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए और मुश्किलें पैदा होंगी। अदालती सुनवाई के बीच ये सवाल उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान मौजूदा राजनीतिक हालात और इमरान खान के सरकार विरोधी अभियान के चरम पर होने के बावजूद इस मुद्दे को नए सिरे से क्यों उठा रहा है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट आबिद साकी का कहना है कि इस मामले में कानूनी पेचीदगियाँ कम और राजनीतिक पेचीदगियाँ ज्यादा हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दुर्भाग्य से कानून की आड़ में राजनीतिक उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। आबिद साकी का कहना है कि सामान्य तौर पर ऐसे मामले अदालतों में नहीं आने चाहिए और न ही अदालतों को निजी मामलों में दखल देना चाहिए। पत्रकार और विश्लेषक मजहर अब्बास का कहना है, देश में चल रहे राजनीतिक तनाव में शायद इमरान खान को इस मामले में अयोग्य ठहरा दिया जाए, लेकिन उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म नहीं किया जा सकता है। मजहर अब्बास का कहना है, प्रशासनिक और न्यायिक फैसलों से हो सकता है कि इसका कुछ राजनीतिक लाभ उठाया जाए, लेकिन इमरान खान के समर्थक इस फैसले को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इमरान खान के खिलाफ अर्जी दाखिल करने वाले साजिद महमूद अभी तक इस अर्जी पर हुई किसी भी सुनवाई में पेश नहीं हुए हैं। जब उनके वकील से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चूंकि वो याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए याचिकाकर्ता का कोर्ट में मौजूद होना जरूरी नहीं है। इस मामले पर तहरीक इंसाफ के नेता अमजद अली खान का कहना है कि इस तरह की याचिका आमतौर पर दायर कराई जाती है और याचिका दायर करने वाले कम ही सामने आते हैं, और इस बारे में यह एक स्पष्ट संकेत है कि इस मामले का एकमात्र उद्देश्य कीचड़ उछालना है। पाकिस्तान में सत्ताधारी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदस्य चौधरी बशीर वर्क कहते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इमरान खान टेरियन को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जब कोई सार्वजनिक पद पर होता है तो कोई भी नागरिक उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए संसद के किसी भी सदस्य की विश्वसनीयता को चुनौती दे सकता है। अब आखिर में ये जानते हैं कि टेरियन वाइट की माँ सीता वाइट कौन थी। सीता वाइट एक योगा स्टूडियो में प्राचीन व्यायाम और आध्यात्मिक अभ्यास सिखाती थी। जब अमेरिका में रहने वाली 43 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक सीता वाइट की 2004 में मृत्यु हो गई तो ब्रिटिश अखबार द मिरर और अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क पोस्ट ने लिखा कि वह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इमरान खान की प्रेमिका थी। रिपोर्ट के मुताबिक सीता ने एक बेटी टेरियन वाइट को जन्म दिया, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वह इमरान खान की बेटी है। अखबारों की खबरों के मुताबिक सीता वाइट की मौत कैलिफोर्निया में सांता मोनिका की योगा क्लास के दौरान हुई थी, जो बेवरली हिल्स में उनके आलिशान घर के पास स्थित थी।